स्कॉलरशिप एग्ज़ाम निकाला था, उसका इंटरव्यू में वो सेलेक्ट हुआ। वो टेलको में इंटरव्यू था उसका, तो वो इंटरव्यू से आ रहा था, ओला बाइक था और उसको पीछे हाइवा ने मारा। ओला बाइक वाला एक साइड गिर गया, मेरा भाई हाइवा के पीछे आ गया, जिसमें उसको स्टमक में काफ़ी इंजरी हुई, फ्रैक्चर भी हुए दो तीन जगह, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए। उसके बाद उसको वहाँ पे पता नहीं हेल्प नहीं मिल पाई उस समय, जब तक उसके दोस्त नहीं आए उसको हेल्प नहीं मिली, उसके दोस्त आए तब जाके उसको हेल्प मिली है। उसमें डीले हुआ है जिसके कारण से ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग काफ़ी होने लगी वहाँ पे उसको। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उसको यहाँ पे, फिर यहाँ पे आने के बाद उसको ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वो CCU में रहा लाइफ सपोर्ट पे। उसका इंटेंसिव ब्लीडिंग के कारण उसका BP जो है काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा था, नॉर्मल BP से हमेशा उसका स्लो हो रहा था। और उसके बाद फिर आज सुबह उसका कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गया। घटना कितने तारीख का था? 23/10/2019 को ये घटना घटी। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? एक्सीडेंट NIT मोड़